दिनेश लाल यादव निरहुआ हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। दिनेश जी, क्या कहेंगे आप, किस तरह से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है आजमगढ़ में एक ही मुद्दा है कि ये जो अखिलेश यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, ये सिर्फ चुनाव में आजमगढ़ आते हैं, ये जीतने के बाद प्रमाण पत्र तक लेने नहीं आते, काम क्या करेंगे। इनके 10 विधायक आजमगढ़ में सपा के हैं और 10ों अपने गांव की सड़क नहीं बनवा पाते। हम यहां 1.5 साल में आजमगढ़ को रह के चमकाए हैं। आजमगढ़ का वो हर काम जो आज़ादी के बाद नहीं हुआ वो सब करवा दिए और जनता इसी के लिए हम लोगों को चुन रही है और कमल खिला रही है कि भैया जो भी लोग आया यहाँ, आजमगढ़ जीता चाहे हारा, भाग गया, भगोड़े हैं सब, लेकिन हम लोग यहाँ रहते हैं, रह के काम करते हैं, इसलिए जनता हमारे साथ। प्रशासन का दुरुपयोग करने का आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर, क्या ये सच है? ये जो सपा और कांग्रेस है, इनका ये चरित्र है और ये जहाँ जीतते हैं वहाँ EVM ठीक हो जाता है, जहाँ हारते हैं वहाँ EVM खराब हो जाता है, वहाँ प्रशासन खराब हो जाता है। तो आप उनसे पूछिए ना कि भैया जब आप करहल में जीतते हैं तो EVM ठीक हो जाता है, आजमगढ़ 19 में जीते तो EVM ठीक हो गया, जबकि चुनाव आयोग में गए थे 19 में और अखिलेश यादव कहे थे कि जो भी यहाँ होगा हम नहीं मानेंगे, यहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो ये तो हर बार कहते हैं वो। MY फैक्टर और गुड्डू जमाली काम नहीं कर रहे हैं इस बार भी आपके सामने? नहीं काम कर रहा है, उसका कारण ये है कि गुड्डू जमाली तो अकेले गए हैं ना, उस बार बसपा का गठबंधन था इसलिए अखिलेश यादव बच गए, नहीं तो 19 में ही हार गए होते आजमगढ़। गा के सुना दीजिए, क्या अपना अभी जो गाया था। जी जी बिल्कुल, हाँ आप भी आप ही ले लीजिए। नहीं, एक बार आप अलग, आपका रुके रही, आपका होगा राजू जी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि 15 महीना में 15 साल से ज्यादा काम करवले बा, केहू जवन ना करे पवलस कके निरहुआ देखवले बा, पूरा आजमगढ़ चमके लागल सबके साफ देखाते बा, आजमगढ़ के बच्चा बच्चा निरहुआ भैया के साथे बा। आपने देखा भीड़ भी यहाँ पे है और बहुत सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने बातचीत की और कहा कि इस बार फिर वो बड़ी एक जीत जीतने जा रहे हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, आजमगढ़।